नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इलेक्ट्रिक वीडियो के अंदर आपका स्वागतम है। दोस्तों यहां पर करेंगे हम 10वें एमसीयू बॉक्स की फिनिश और दीवार के अंदर लगाएंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहे और पूरी हम जानकारी बताएं कितना दीवार के अंदर रहना चाहिए, कितना बाहर रहना चाहिए, ताकि हम ढक्कन लगाएँ तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कटिंग वाल की हो चुकी है दोस्तों, और यहाँ पर हमने दो पाइप लगा कर बॉक्स है वो आसानी से इसके अंदर आ रहा है। और अब यहाँ पर दोस्तों करेंगे ये पाइप निकालेंगे और हम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो नए इलेक्ट्रिकल हैं उनके लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम अब पहले कर लेते हैं इस एमसीयू बॉक्स की फिनिशिंग, उसके बाद में आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। और यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन रहेगी दोस्तों, ये जो ऊपर लाइन जाएगी हमारे बाथरूम के लिए सर्किट रहेगा उसके लिए, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 1.25 इंच के करीब हमारा दीवार से है और इतना रहेगा प्लास्टर फाइनल होने के बाद बाहर रहेगा। और अब यहाँ पर दोस्तों हमने फाइनल यहाँ एमसीयू बॉक्स को कंप्लीट पाइप लगाकर फिटिंग कर दी है और कंक्रीट से हमने इन पाइपों को लगा दिया ताकि मिस्त्री की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और यहाँ पर जब पाइप भी हमारा हिलेगा नहीं और एमसीयू बॉक्स भी नहीं हिल पाएगा। तो यहाँ पर अब दोस्तों देसी जुगाड़ से हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर हमारे पास में एक्स्ट्रा ब्लेड है, इसकी मदद से आपको देखना है। और यहाँ नीचे देखेंगे तो भी एकदम परफेक्ट आ रहा है, तो दीवार से एकदम सही है दोस्तों। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो भी एकदम सही है दीवार से। आप आरी को पत्ते को अच्छी तरह से लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी अच्छी तरह से आप कंप्लीट है, तो नहीं बाहर रहेगा नहीं भीतर रहेगा और एकदम आसान तरीके से दोस्तों आपका वायरिंग टाइम में सही रहेगा। और अब दोस्तों फाइनल हमारा एमसीयू बॉक्स कंप्लीट हो चुका है, अच्छी तरह से हमने जाम कर दिया है इस सीमेंट से और यहाँ पर कंप्लीट एमसीयू बॉक्स हो गया। अब यहाँ पर आपको कार्टून टेप या गत्ता लेना और उसको अंदर की तरफ लगा देना ताकि वायरिंग टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए और सीमेंट वगैरह इसके अंदर नहीं चली जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इलेक्ट्रिक वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।